अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की मेरी वीडियो बहुत अमेजिंग है क्योंकि मैं इसमें आपको शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी पुरानी और ब्रोकन लिपस्टिक्स को रीयूज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए लिया है मैंने एम्प्टी पैलेट, आप कोई भी एम्प्टी पैलेट ले सकते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा फ्लेम या लाइटर या कैंडल, कोई भी आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और स्टील का स्पून लाजमी होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर ब्रोकन लिपस्टिक अपनी ऐड कर रही हूँ, स्टील के स्पून पर रख के इसे मैं 25 to 30 सेकेंड के लिए हीट दूंगी। जब ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो मैं इसे पैलेट में डाल दूंगी। ये मेरा मड ब्रांड का फेवरेट लिप शेड है जो कि मुझे गिफ्ट मिला था। इसका शेड नेम है बेयरली ब्लशिंग, बहुत अच्छा ब्रांड है। पाकिस्तानी प्राइस इसकी 400 है लिप शेड की। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई चंक्स ग्लिटरी लहदा ना हो जाए। और इसके अलावा मैं इसमें मिडोरा शेड ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी ये बच गई थी। इस तरह से हम न्यू शेड्स भी बना सकते हैं, न्यू लिप शेड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए अमेजिंग कॉन्टेंट्स लाती रहूँगी। इस तरह से आप मेरे साथ लिंक में रहेंगे और मेरी न्यू वीडियोज़ भी देखते रहेंगे। सो इसको मज़ीद शेयर कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो करना मत भूलिएगा। इसमें चारकोल ऐड हो गया है तो इसे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि चारकोल से बहुत प्यारा शेड बनेगा, क्योंकि ब्लैक पिंक में ऐड हो जाए तो और प्यारा शेड हो जाता है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब बारी है हमारे थर्ड शेड की, ये है न्यूड शेड, मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है जो कि ख़त्म होने वाला है। इसका शेड नंबर है 8, कलर कॉस्मेटिक्स का ये शेड है। इसको भी इसी तरह मेल्ट कर लेना है और पैलेट में ऐड कर लेना है। अब फोर्थ वन वही मिडोरा का शेड है जो हमने फर्स्ट वन शेड के साथ ऐड किया था। ये मिडोरा का शेड नंबर है 216 मैट, फ्लेवर नेम है इसका, बहुत प्यारा शेड है, बहुत ही सॉफ्ट। इसे भी मेल्ट करके मैंने ऐड कर लिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये शेड मेरा ब्रोक नहीं था, थोड़ा सा बस इसकी डॉक ख़राब हुई हुई थी तो मैंने इसको पैलेट को कंप्लीट करने के लिए ऐड किया है। ये शेड नंबर है 5, लिपस्टिक लियोए, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। बहुत ही थिक लिपस्टिक थी, इसको मेल्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। शेड बहुत ही प्यारा पिंक है, मेरी पिंक फैमिली, न्यूड पिंक फैमिली कम्प्लीट हो गई है। इसको एंड पे मैं थोड़ा सा हीट दूंगी ताकि ये लेवल आ जाए, इसका लिप शेड्स एक जैसे लगें। और जो रिमेनिंग इसके ऊपर जो लग गई है उसको मैं वाइप आउट कर लूँगी टिश्यू पेपर से। सो वन बाय वन मैं आपको स्वेचेस शेयर कर रही हूँ, इसके तमाम 5 शेड्स मैं आपको दिखाऊंगी। और मज़े की बात यह है कि एक ही ब्रश से ये इजीली एप्लीकेबल है, इनफ है एक ही ब्रश। ये मुझे बाय चांस इस पैलेट में फिक्स हो गया था, ये 50 रुपीज़ का ब्रश आया था, ये मैंने पहले का लिया हुआ था और ये इन शेड्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, इजी टू एप्लीकेबल है। आप लिप्स पे भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद न्यू आइडियाज़ आप मुझे शेयर कीजिएगा। आपको कैसी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।